कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो माते संगोस्तवि कर्मणि। नातों से अधिक महत्वपूर्ण होती है, सिद्धांत पर समझौते नहीं होते। महाराज दशरथ ने स्वयं ही श्री राम को परामर्श दिया था कि वे अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दें और कैकेयी की बात मानने से इनकार कर दें। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम तो मानव को मानवता की परिभाषा बताने आए थे, वे नीति और सिद्धांत की महानता से कैसे विमुख हो सकते थे। इस मार्ग में तो पिता की करुण पुकार भी उनके पग नहीं रोक सकती थी। उन्हें तो संसार को बताना है कि प्राण जा सकते हैं, परंतु रघुकुल में वचन से विमुख नहीं हुआ जा सकता। महाराज, महाराज, महाराज रुकिए। राज, महाराज, महाराज, निषाद राज, हमारे ग्राम की ओर नासरी रथ आ रहा है, अवश्य ही अयोध्या से आ रहा है। चलो देखते हैं। राजसी है, परंतु इसमें कुछ सन्यासी दिखाई दे रहे हैं। आइए, महामंत्री सुमन। सन्यासी के वस्त्र में? हाँ निषाद राज, मैंने स्वयं के लिए 14 वर्षों तक यही वेशभूषा चुन ली है, और मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी जानकी एवं अनुज लक्ष्मण ने भी। श्री राम,
परंतु हे श्री राम, आज तो आपका अयोध्या में अभिषेक होने वाला था। हाँ निषाद राज, अयोध्या में अभिषेक तो हो रहा है, किंतु मेरा नहीं, मेरे प्रिय अनुज भरत का। यह कैसे संभव है? जनता के प्रतिनिधि आपको युवराज चुन चुके हैं, वहां मैं भी उपस्थित था। परंतु हे श्री राम, यदि हमारे निर्णय की अवहेलना हुई तो हम सब विद्रोह कर देंगे। निषाद राज, रघुकुल के नरेशों की एक महान परंपरा है, और वो नरेश महान होने का कारण स्वयं अयोध्या की प्रजा है। जिस प्रकार एक घने वृक्ष की छाया भी उतनी ही घनी होती है, उसी प्रकार जिस देश की प्रजा महान होती है, उसी देश का राजा भी महान होता है। निषाद राज, आपको तो अपने नरेश पर गर्व होना चाहिए कि वो रघुकुल की वचन परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। हे श्री राम, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, परंतु मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सबको इस वेश में देखकर मैं तो यह भी भूल गया कि आप इतनी दूर से चले आ रहे हैं। आपको विश्राम की आवश्यकता है। आपको अपने ग्राम में देखकर हम धन्य हुए। आइए आइए श्री राम, आप हमारी कुटिया में विश्राम कीजिए। आइए। महाराज, मैंने आपके स्वस्थ होने के समय का जो अनुमान लगाया था, उसकी तुलना में आप अधिक शीघ्रता से स्वस्थ हो गए हैं। ऐसा लगता है मेरी औषधियों से अधिक आपके नातियों के आगमन ने अपना चमत्कार दिखा दिया है। मैं तो पहले ही आपको कहता था, ये रोग और कुछ नहीं, मेरे नातियों की मुझसे दूरी है। अब वो मेरे पास आ गए हैं, मेरा रोग चला गया। नानाश्री, आयुष्मान भव। तुम्हारे नेत्र बता रहे हैं पुत्र कि तुम्हारी निद्रा पूरी नहीं हुई। आपका विचार ठीक है नानाश्री। भ्राता भरत कल रात एक पल के लिए भी नहीं सो पाए, पूरी रात बड़ी व्याकुलता से उन्होंने। क्यों वत्स, क्या हुआ? कुछ नहीं नानाश्री, मुझे ज्ञात नहीं क्यों, किंतु रात भर एक बड़ी व्याकुलता सताती रही। बार बार अयोध्या का ध्यान आता रहा। अयोध्या में तो अब उत्सव मनाया जा रहा होगा, मंगल गान गूंज रहे होंगे, तुम्हारे भाई राम का अभिषेक हुआ होगा। तुम तो अपने भाई के अभिषेक की सूचना सुनकर गदगद हो उठे थे। मुझे स्वयं आश्चर्य हो रहा है नानाश्री कि मेरा मन इतना विचलित क्यों हो रहा है। नानाश्री, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे अयोध्या में कोई संकट आया हो। मेरा मन अत्यंत विचलित है नानाश्री। तो मैं भी इतना स्वार्थी नहीं हूं कि तुम्हें कह कह मैं और रुकने के लिए कहूं। यदि तुम्हारा मन अयोध्या के लिए व्याकुल हो रहा है तो मैं सहर्ष तुम्हें जाने की अनुमति देता हूं। तुम दोनों ही आज प्रस्थान कर सकते हो। आप धन्य हैं नानाश्री, अनुमति मांगे बिना ही आपने अनुमति दे दी। हमें आज्ञा दीजिए नानाश्री। तुम्हारे हर्ष में मेरा हर्ष है, तुम प्रसन्न तो मैं भी प्रसन्न। हमें आज्ञा दीजिए नानाश्री। आओ नानाश्री। नानाश्री, नानाश्री। मैं आपको ऐसी औषधि दे रहा हूं जिसे पीते ही आपको तुरंत चैन आ जाएगा। नहीं वैद्यराज, मुझे तो चैन उसी समय आएगा
जब महामंत्री सुमंत मेरे पुत्र को लेकर लौटेंगे, मुझे हर कोई औषधि अच्छा नहीं कर सकती। जब तक महामंत्री नहीं लौटते, उनकी प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी, और प्रतीक्षा करने के लिए आपको बल चाहिए। ये औषधि आपके हृदय को बल देगी महाराज। पाषाण को किसी बल की आवश्यकता नहीं होती वैद्यराज। मेरा हृदय तो पाषाण हो चुका है, अन्यथा राम के जाते मेरे प्राण न निकल जाते। ऐसा मत कहिए महाराज, औषधि ले लीजिए, मैं अपने सुहाग की दुहाई देती हूँ। औषधि ले लीजिए महाराज। वैद्यराज लाइए औषधि, मैं पिलाती हूँ महाराज। दो वर देकर मैंने आप दोनों को पुत्र वियोग सहने का दंड दे दिया। हम इसे दंड नहीं, नियति मानते हैं महाराज। अपने मन को बहलाने का इसके अतिरिक्त और कोई ढंग भी तो नहीं। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि महामंत्री सुमंत की बात मेरा पुत्र मान ले और अयोध्या लौट आए। आइए प्रभु आइए। निषाद राज, कल जब हम यहां पर आए थे तब यहां पर ढेर सारी नौकाएं थीं। अब यहां पर कोई नहीं दिखाई दे रहा, कहां गए सारे केवट? हे श्री राम, ये सुनते हैं कि उनमें से किसी एक को अपनी नौका पर बैठाकर आपको उस पार ले जाना होगा। सारे केवट अपनी नौकाएं लेकर भाग गए। भाग जाने का कारण भय प्रभु? किसका भय, मेरा? नहीं नहीं प्रभु, आपका भय नहीं, आप तो स्वयं भय भंजन हैं। आपका नाम लेते ही मन के सारे भय दूर हो जाते हैं। बड़ी विचित्र बात है निषाद राज, ये भी कहते हो कि भयभीत हैं, फिर ये भी कहते हो कि मुझसे भयभीत नहीं है, तो किससे भयभीत हैं? आपके चरणों की धूल से प्रभु। धूल से? धूल से क्या डरना निषाद राज? हे श्री राम, सारा संसार जानता है कि आपके चरणों की धूल लगते ही पत्थर की मूर्ति जीती जागती देवी बनकर जी उठी। वो तो पत्थर थी, हम निर्धनों की नौकाएं तो काठ की है। यदि आपके चरणों की धूल ने इन्हें कुछ और बना दिया तो हम सब भूखे मर जाएंगे। इन्हीं नौकाओं के कारण हम अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। हे श्री राम, यही कारण है कि सारे नाविक अपनी नौकाएं लेकर भाग खड़े हुए। निषाद राज, आपने तो मुझे असमंजस में डाल दिया। अब चरणों की धूल का भला मैं क्या कर सकता हूं? इस समस्या का समाधान तो मेरे पास भी नहीं है। हे कौशल्यानंदन, यदि आप मेरी बात मान जाएं, तो मेरे पास इस समस्या का समाधान है।
तो बताओ ना। हे प्रभु, आप मुझे अपने पांव पखारने दीजिए। मैं आपके पांव इतने प्रेम से धोऊंगा कि इन पर एक भी रजकण शेष नहीं रह जाएगा। नहीं निषादराज, चरण तो ऋषि मुनियों और महात्माओं के धोने चाहिए। मैं तो एक साधारण मानव हूं। हे श्री राम, जो राजभवन छोड़कर वन का पथ ले, उससे बड़ा ऋषि और कौन हो सकता है? जो राजसी ठाट बाट छोड़कर सन्यासी का वेश धर ले, उससे बड़ा मुनि और कौन हो सकता है? हे श्री राम, सत्ता पाने के पश्चात भी सत्ता का लोभ ना करके सत्ता किसी और को सौंप दे, उससे बड़ा महात्मा और कौन हो सकता है? आप तो मेरे लिए ऋषियों के ऋषि, महात्माओं के महात्मा और मुनियों के मुनि हैं। इसलिए आपके चरण धोना मेरा धर्म भी है और अधिकार भी। और बिना आपके चरण धोए मैं आपको नौका पर नहीं बिठा सकता। यदि यह आपका हट है तो मैं आपको मना कैसे करूं? और यदि इस समस्या का यही समाधान है तो मैं आपको अपने चरण धोने की अनुमति देता हूं। आपकी जय हो, श्री राम की जय हो। विराजे श्री राम। बड़े भाग प्रभु आय सुदीना, केवट राम चरण गहे लेना। देखे सहज सुमित्रा नंदन, कैसे होता हृदय समर्पण, कैसे हो हृदय समर्पण। केवट प्रभु अनुराग सुहाया, जनक सुता के मन अति भाया। धोवत चरण मुदित मुस्कायो, आज निषाद परम गति पायो, आज निषाद परम गति पायो। प्रभु मैं धन्य हुआ। आइए पधारिए। महामंत्री सुमंत लौटे या नहीं? इतनी शीघ्र कैसे लौटेंगे? अभी तो बस गंगा तट तक ही पहुंचे होंगे। आइए प्रभु। जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, राम राम, मोरे राम राम राम। श्री हे अयोध्या की माटी, राम तुमसे विदा लेता है। श्री
नमन तुझे साकेत के चंदन जैसे धूल, मैं उसको माथे धरूं शूल मिले या फूल, तुझसे ले जननी तेरे चरण में नत है मेरा शेष, नत है मेरा शेष। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु